नमस्कार। आज हम चित्रकला की कोटा शैली का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की चित्रकला शैली का परिचय प्राप्त करते हुए हमने देखा कि यह अजंता कला शैली के गर्भ से निकली है, जिसने विकसित होते होते राजस्थान के विभिन्न केंद्रों में अपनी स्थानीय विशेषताओं को समेटे हुए कला की विभिन्न शैलियों का आकार लिया है। इन विभिन्न शैलियों में हाड़ौती चित्र शैली, जिसके दो केंद्र हैं कोटा और बूंदी, आज हम कोटा चित्र कला शैली का अध्ययन करने जा रहे हैं। कोटा चित्रकला शैली का अध्ययन करने के लिए हमें स्वयं कोटा राज्य के इतिहास पर एक दृष्टिपात करना होगा। आप यह जानते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में मूल हाड़ा राज्य बूंदी का था, जिससे 1631 में मुगल बादशाह जहांगीर ने फरमान जारी करके कोटा राज्य की एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना की थी। कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह थे। राव माधो सिंह के जहांगीर और शाहजहां दोनों के साथ मित्रवत रिश्ते थे। कोटा के शासकों के ये मित्रतापूर्ण रिश्ते आगे आने वाले समय में सदैव बने रहे। इस कारण से कोटा की चित्रकला शैली ने जो रूप और आकार लिया, उसे इस राज्य के अस्तित्व में आने के कारणों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हमने देखा कि अजंता चित्रकला शैली पश्चिमी भारतीय अथवा जैन शैली अथवा अपभ्रंश शैली से गुजरते हुए मेवाड़ में राजपूत चित्रकला शैली के रूप में विकसित हुई, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला शैली है। बूंदी का चौहान राज्य अपनी स्थापना के प्रारंभिक समय में मेवाड़ के राज्य के अधीनस्थ रहा था, इसलिए हाड़ौती चित्रकला शैली पर मेवाड़ शैली का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कोटा राज्य क्योंकि बूंदी राज्य से उत्पन्न हुआ था, तो बूंदी शैली से यह मेवाड़ का प्रभाव कोटा शैली ने अपने ऊपर लिया, इसलिए कोटा शैली पर बूंदी शैली का प्रभाव है और उसी में अंतर्निहित मेवाड़ शैली का प्रभाव है। बाद में मुगलों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के कारण इस पर मुगल प्रभाव पड़ा और इस तरह से कोटा की चित्रकला शैली अपने विभिन्न रूपाकारों को प्राप्त करती रही। क्योंकि कोटा का राज्य बूंदी राज्य से उत्पन्न हुआ था, तदनुरूप कोटा चित्रकला शैली भी बूंदी चित्रकला शैली का ही एक रूप थी और दोनों के प्रभाव इतने मिले जुले थे कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। यह बूंदी चित्रकला शैली का प्रभाव कोटा राज्य के अलग से अस्तित्व में आ जाने और कोटा चित्रकला शैली के एक पृथक चित्रकला शैली के रूप में स्थापित हो जाने के बावजूद भी बड़े रूप में बना रहा और अंतिम समय तक उसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी कोटा चित्रकला शैली को हम बूंदी चित्रकला शैली की पृष्ठभूमि में ही समझ सकते हैं। लेकिन जब कोटा राज्य पृथक रूप से अस्तित्व में ही आ गया था, तो कोटा हाड़ौती चित्रकला शैली का एक दूसरा केंद्र बन गया, जिसमें आगे चलकर अपनी स्थानीय विशेषताएं भी विकसित हो गई। तो महाराव माधो सिंह के समय से हम कोटा चित्रकला शैली का प्रारंभ मान सकते हैं और जैसा कि हमने बात की कि मुगलों के साथ
इनके मित्रतापूर्ण संबंध रहे। माधो सिंह शाहजहां के मित्र थे, इसलिए कोटा चित्रकला के अस्तित्व में आने के साथ साथ ही बूंदी के प्रभाव के साथ साथ मुगल प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देने लगा। आगे आने वाले समय में कोटा के शासकों के समय में कोटा चित्रकला शैली का अधिक विकास हुआ। महाराव राम सिंह और अर्जुन सिंह के समय यह अपने चरमोत्कर्ष को भी प्राप्त हुई और इसने अपनी स्थानीय विशेषताओं को डेवलप करना भी प्रारंभ किया। उसके पश्चात महाराव उम्मेद सिंह के समय में यह अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करते हुए महाराव राम सिंह के समय में पतन की तरफ जाने लगी। और बाद में जब ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना हो गई तब कोटा चित्रकला शैली भी यूरोपीय चित्रकला शैली के प्रभाव में आकर एक अर्थ प्रधान चित्रकला शैली बन गई, जिसने इसकी कलात्मकता और देशजता को बहुत गहरे रूप में प्रभावित किया। कोटा की चित्रकला शैली के जो मुख्य नमूने हैं वो गढ़ पैलेस कोटा में भित्ति चित्रों के रूप में, झाला जालिम सिंह की हवेली में भित्ति चित्रों के रूप में और कोटा म्यूजियम में मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चित्रकला शैलियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्यतया मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करते हैं, लघु चित्रकला शैली की बात करते हैं और यह दो रूपों में हमें उपलब्ध होती है। प्रथम यह दीवारों पर उपलब्ध होती है, द्वितीय यह किसी कैनवास के ऊपर जो कि कपड़ा या कागज या ताड़पत्र हो सकता है के ऊपर चित्रित ग्रंथों अथवा दूसरे प्रकार के चित्रों के रूप में मिलती है। तो कोटा के गढ़ पैलेस की दीवारें अपनी बनाई गई लघु चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें कृष्ण के जीवन से संबंधित पौराणिक कथाएं चित्रित हैं। यह है राजस्थान की चित्रकला शैलियों की प्रमुख विशेषता है कि वह हिंदू धर्म के बृहत्तर ढांचे में ही मूल रूप से स्थापित रही हैं, यद्यपि उस पर दूसरे प्रभाव आते रहे हैं। इसलिए पौराणिक कथाएं तो मिलती ही हैं, पौराणिक कथाओं के अलावा दूसरे विषय भी मिलते हैं जो कि राज्य की अभिरुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि कोटा के चित्रों में हाथियों की लड़ाई के चित्र मिलते हैं, तोते और मोर के चित्र मिलते हैं, स्वास्तिक और मंगल कलश जैसे शुभ माने जाने वाले प्रतीकों के चित्र मिलते हैं। कोटा वल्लभ संप्रदाय का केंद्र बना था। यहाँ का मथुरा देस जी का मंदिर राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की सीटों में, वल्लभ संप्रदाय के केंद्रों में सबसे प्रभावशाली केंद्रों में से माना जाता है। इसलिए मथुरादेश जी के मंदिर के मूर्ति के पृष्ठ में कपड़े के ऊपर कृष्ण लीला के चित्र, गायें चराते हुए कृष्ण, कृष्ण गोपियों की संगति में कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्य कपड़े के कैनवास के ऊपर चित्रित कर लगाए गए हैं, जिन्हें पिछवाई के चित्र कहा जाता है। आप जानते हैं कि पिछवाई के चित्र नाथ द्वारा के वल्लभ संप्रदाय के मंदिर की भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा कोटा के चित्रों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला है वो शिकार के दृश्यों की है, और शिकार के दृश्य खास तौर से कोटा के महाराव उम्मेद सिंह के समय में चित्रित किए गए थे। इस तरह पौराणिक दृश्य, हिंदू धर्म से संबंधित दूसरे कथानक, प्रकृति के दृश्य और शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। अब इन चित्रों का अंकन किस प्रकार से किया गया है, यह है कोटा चित्रकला शैली की के विशेषताओं को इंगित करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हाड़ौती चित्रकला शैली, जिसका मूल बूंदी
चित्रकला शैली था, राजस्थान की चित्रकला शैलियों में सर्वाधिक सुंदर मानी जाती है और उसी का प्रभाव क्योंकि कोटा चित्रकला शैली पर भी है, इसलिए कोटा की चित्रकला शैली भी कमोबेश बूंदी की चित्रकला शैली के सुंदर समान ही सुंदर मानी जाती है। यह सुंदरता यहाँ पर चित्रित किए गए दृश्यों के रंग संयोजन में, नारी की आकृतियों में, प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में अंतर्निहित है। यहाँ पर जो नारी आकृतियां बनाई गई हैं, वह नारी को रीति काव्य की सुंदरताओं के अनुकूल चित्रित करती हैं। ऊंचा मस्तिष्क, तीखी नाक, छोटी ठुड्डी, गहनों का अंकन, लंबे बाल, बादाम की आकृति की आंखें, पतली कमर, ऊंचा वक्ष आदि नारी के चित्रों की विशेषताएं हैं, जिसके कारण नारी एक आदर्श रूप से चित्रित नारी के रूप में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि जो पार्श्वमुखी नारी आकृतियां बनाई गई हैं, वो उनकी सुंदरता इतनी ज्यादा आदर्शपूर्ण और संपूर्ण बना दी गई है कि वो प्रतिमाओं की तरह लगती हैं। ये प्रतिमाओं की तरह लगने के पीछे एक कारण और भी उत्तरदायी माना जाता है, वह यह है कि यह मेवाड़ी शैली के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान में कास्ट कला बहुत प्रचलित रही है और मेवाड़ी चित्रकला शैली के जो नारी आकृतियां प्रतिमाओं के अनुरूप लगती हैं, उसमें उस पर इस कास्ट कला का प्रभाव माना जाता है। और जैसा कि हमने बात की कि बूंदी से होते हुए यह मेवाड़ी चित्रकला का प्रभाव कोटा शैली पर भी आया है, इसलिए यहाँ की नारी प्रतिमाएं भी प्रतिमाओं की तरह लगती हैं। भले ही ये नारी प्रतिमाएं किसी भी आकार में खड़ी हों, शीशे को निहार रही हों, या प्राकृतिक परिवेश में किसी पेड़ की टहनी को पकड़े हुए खड़ी हों। जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है, वो नीले और हरे रंग मुख्य रूप से हैं, जिनकी बाउंड्रीज लाल, सुनहरे और काले रंगों से बनाई गई है। रंगों के इस कंट्रास्ट के कारण कोटा चित्रकला शैली के चित्र बहुत ही सुंदर रूप में उभर कर आते हैं। ये हमने बात की कोटा चित्रकला शैली के स्वरूप, उस पर बूंदी और चित्रकला मेवाड़ी चित्रकला शैली के प्रभाव की। इसके अलावा हम जानते हैं कि मुगल प्रभाव यहाँ पर रहा तो वह किन रूपों में दिखाई दिया। मुगल प्रभाव मुख्य रूप से बागों को चित्रित करने में, उसमें फूलों की क्यारियां बनाने में, फव्वारे बनाने में और तारों से चित्रित रातें बनाने में मुगल प्रभाव कोटा चित्रकला शैली के रूप के ऊपर दिखाई देता है। तो यह सवाल उठता है कि हमने कोटा चित्रकला शैली की बात करते हुए बूंदी के प्रभाव की बात की, मेवाड़ के प्रभाव की बात की, मुगल प्रभाव की बात की, तो कोटा का अपना क्या था? कोटा चित्रकला शैली अपने शिकार के लिए, चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक परिवेश में, जंगल के परिवेश में दिखाए जाएंगे। तो जो जंगल का परिवेश दिखाया गया है, जो जीव जंतु दिखाए गए हैं, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, नदियां आदि दिखाई गई हैं, वो कोटा के स्थानीय वातावरण के अनुरूप हैं। इस तरह कोटा की चित्रकला शैली कोटा, बूंदी, मेवाड़, मुगल आदि विभिन्न चित्रकला शैलियों का एक सुंदर समन्वय है। और राजस्थान की चित्रकला शैलियों में से सर्वाधिक सुंदर चित्रकला शैलियों में से एक गिनी जाती है, जैसा कि आप इसके चित्रकला के कुछ नमूनों से देख सकते हैं जो इंटरनेट से लिए गए हैं। यह है एक प्राकृतिक परिवेश का दृश्य है जो हाड़ौती चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। यह एक महल में बैठे हुए
राजा का चित्र है, नारी आकृति का चित्र है, शिकार का दृश्य है, घोड़े पर सवारी करते हुए महाराजा हैं, पुनः एक प्राकृतिक परिवेश जिसमें जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं का दृश्य है, घोड़े पर सवारी करते हुए महाराजा का दृश्य है। इन समस्त चित्रकला शैलियों से आपको कोटा चित्रकला शैली की सुंदरता का आभास हुआ होगा, जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। और इस तरह अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ी, बूंदी, मुगल शैलियों को स्थानीय परिवेश के अनुरूप ढालते हुए कोटा राज्य ने अपनी चित्रकला शैली का विकास किया, जिसके लिए वह प्रसिद्ध है। धन्यवाद।